English. तमाम को पता है कि आज 16 तारीख को एक दिसंबर के 16 तारीख को आज एक एनआरसी और पीपी को लेकर एक प्रजर इतराज का फैसला लिया गया था और बाद में उलमा इकराम ने इसको हालात हजरा को सामने रखते हुए कहा कि इसको मुलतवी किया गया है। लेकिन यहां हमने देखा कि
हजारों लोगों का एक सैलाब उमड़ आ गया है। हर एक की जुबान में इंसाफ की उम्मीद है। हर यही कह रहे हैं कि जो भी हो इस कानून को रद्द किया जाए। इस कानून को लेकर तमाम की यही जुबान है और इस सैलाब की सरपरस्ती करते हुए यहाँ मजीद साहब मौजूद है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। आज मेहरबानी से प्लीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा दस्तूर का खिलाफ एक बिल ला लेकर है, सीएबी और एनआरसी, इसका खिलाफ देश भर में एक इतजाज हो लेकर है। आज मैसूर में भी हम लोग शहर मैसूर में आज प्रोटेस्ट किया करते हैं। कुछ कमिश्नर एक ऑर्डर दिया हुआ था, वो ऑर्डर में कुछ कंफ्यूजन, वो ऑर्डर को सही पढ़कर समझने में, इंटरप्ट करने में उसमें गलती होकर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मगर बहुत सारे हमारे नौजवान यहाँ आए थे, इनको बात करना, इनको अमन के साथ भेजना हमारा जिम्मेदारी था, तो इसलिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट कर लेकर हमारे डीसीपी मुतुल्ला साहब 20 मिनट्स हमने एक टाइम दिए, 20 मिनट्स में हमें क्या मैसेज देना था वो मैसेज देकर है। ये जो लंबी लड़ाई है, हमारा इत्तेजाज जो है, जो भी नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। नाइंसाफी को सहते हुए रहने का कोई हमारा मकसद नहीं, नाइंसाफी दबा खाएगा, हम लोग इसको लड़ते रहेंगे। मैं पूरे मैसूर के आवाम को, नौजवानों को मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे बात को एक लबैक करते हुए आए और हम पुलिस डिपार्टमेंट क्या एक बात दी थी 20 मिनट्स, उसमें हम लोग खत्म करें, उसे भी आप लोग सब मिलकर हमना एक सपोर्ट करें, आइंदा भी हम सपोर्ट करिए। कभी भी इस कौम के लिए, इस आवाम के साथ कभी भी मैं आपका साथ रहता हूं, बोलकर शुक्रिया। और उसके साथ साथ हमारे दलित ऑर्गेनाइजेशन, हमारे फ्रेंड दीपक, बहुत सारे लोग भी आकर हमारा इत्तेजाज को सपोर्ट करे हैं, उनको भी मैं शुक्रगुजार हूँ, मीडिया को, पुलिस डिपार्टमेंट को सब। आप जैसे वहाँ पे जो 20 मिनट का टाइम में आप सरपरस्ती की, अलहमदिल्ला बाहर भी आ गए हैं और खास तौर से अमन को आपने ख्याल रखा। मेरा ये सवाल है कि 140 प्रोटेक्शन को लेकर जो समझना चाहिए था उसको अलग रुख से लेते हुए तमाम में कन्फ्यूजन से पैदा हो गया था, उसके बावजूद ये समंदर जो उमट कर आया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे जज्बे को? देखिए, हम जिम्मेदार लोग, हमारे लोगों का हौसला अफजाई करना, उनका कॉन्फिडेंस लेना हमारा जिम्मेदारी बनती है। जब एक ऐलान करे हम लोग, ऐलान करने के बाद वो इस ऐलान में हम लोग कायम रहना है, कायम रहकर हम लोग उसको कमिश्नर के साथ बातचीत करके, देखिए बातचीत में कुछ भी होता है, बातचीत करके हम लोग कर सकते हैं। अब अमन के साथ हम लोग बातचीत करने में, अमन को कायम करने का, बोलने का 20 मिनट टाइम दिए, अमन के साथ हमें हमारा प्रोटेस्ट करे, हमारे इत्तेजाज करे, मीडिया आए, सब आए, तो इसलिए अगर हम लोग नहीं करते, हमारे नौजवान हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस चला जाते, क्या लीडर सुनो, इतना इनको कैपेसिटी नहीं है, दम नहीं है, मीटर नहीं है, तो कई को ऐसा करती करके लोग बोलते, उसका वास्ते हमें उनको, उनका इज्जत करना, उनको हौसला अफजाई करना हमारा जिम्मेदारी है। सब लोग अमन ही चाहते, कौम में हमारा नौजवान कभी अमन नहीं चाहते, नहीं अमन चाहते, उनका जो गुस्सा को उन्होंने इत्तेजाज के जरिए बोलना चाहती, तो हम इंशाल्लाह एक प्रोटेस्ट किए हैं और हमारा जिम्मेदार सब लोग मिलकर और एक प्रोटेस्ट करने का ऐलान किए, अल्हम्दुलिल्लाह उसे भी हम लोग साथ देंगे, उसका हम उनका खिलाफ नहीं है, बस जो लोग इधर आए थे उनको अमन के साथ भेजना हमारा जिम्मेदारी था, उसको हम लोग वो काम किए। शुक्रिया सर। अजय भाई, दो बात। सबसे पहले हमारे नौजवानों का शुक्रगुजार ही कि वो जब बुलावा दिए थे वो टाइम पर पूरे नौजवान बराबर टाइम पर आए, जो जिम्मेदारी लिए थे वो जिम्मेदार इंसान आज नहीं आया, बुला दाल को हमारे नौजवानों को उन्होंने आको नहीं, कैंसिल करी, करी रही, नहीं कर रही, कौन भी बोलने वाले जिम्मेदार नहीं थे, फिर भी नौजवानों का एक जज्बा देखते हुए हमारे अब्दुल मजीद साहब, कमिश्नर साहब को, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके 20 मिनट का वक्त लिए, जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ, जो अमित शाह को एक मैसेज पहुंचाना था, जो मोदी को जो मैसेज पहुंचाना था, मुसलमान सब एक हो गए तो क्या होना, तो कर सकती, आज़ादी के टाइम को एक नहीं होते तो आज़ादी नहीं मिलती थी, ये जो आवाज़ मुसलमानों के खिलाफ जो उठ रही है वो आवाज़ किसकी कहते, मोदी अमित शाह अंग्रेजों की नस्लिनो, अंग्रेजा भी दुश्मन थे हिंदुस्तान के, इन अमित शाह और मोदी हिंदुस्तान को तबाह करने के ऊपर ये शुरुआत है, ये अगर इन्हों वे बिल वापस नहीं लिए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नौजवान उठ को खड़ गया, तो कौन सा पुलिस डिपार्टमेंट भी क्या भी करना होता नहीं, कौन सा डिपार्टमेंट भी क्या भी करना होता नहीं, नौजवान दिखा कोई हमारे मैसूर के। अजय भाई, सिर्फ मैसूर ही नहीं, तमाम अतराफ के खेड़े वाले भी तमाम लोग आए, बहुत जने आ गई, बहुत जने आने वाले थे, सुबह से जो ये जिम्मेदारी उठाए थे वो लोग कंफ्यूज कर डाले, कौन है आने वाले को, मैसूर में पूरे को कंफ्यूज, आजू बाजू खेड़े में कंफ्यूज, फिर भी हमारे लोगों की जिम्मेदारी समझते हुए मैं आपको, वो नौजवानों का जो मकसद ले ले गए थे वो पूरा कर को ही, आइंदा से कहती भी एक जिम्मेदारी ले को करना, कर को बोले तो जो जिम्मेदार इंसान आई सबसे मशवरा करना, करने के टाइम पर मशवरा करे,
ज्ञान सलोते मन किसे भी मशवरा नहीं कराए, किसे भी मालूम नहीं कराए, क्या चीज भी आज कम सरस होता तो वो जिम्मेदार जिम्मेदार जैसा की आपने देखा यहाँ पे कन्फ्यूजन के बावजूद हजारों और लाखों की तादाद में इतना लोगों को जमा होना यह साबित करता है कि एनआरसी और सीएबी को लेकर लोगों में क्या गुस्सा है। और ये हुकूमत हिंद को ये मुतालबा रख रहे हैं कि जो भी हो जाए इस मुल्क के हर शहरी, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम यही कह रहे हैं कि ये इंसानों पर जुल्म वाला बिल है, इसको हम पूरी तरह मजम्मत करते हैं। इसी को लेकर आप तारीख शहर मैसूर में अभी आप जान सकते हैं कि मैसूर में जब भी कुछ काम किया गया वो इंकलाबी शक्ल अख्तियार किया गया, और जिस तरह से प्रोग्राम तय हुआ था उसके बाद में तब्दीली हुई, उसके बावजूद ये प्रोग्राम होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और इंशाल्लाह यहाँ के मुंतजमीन ने यह भी कहा कि जब अगला प्रोग्राम होगा तब भी ये शामिल रहेंगे। बहरहाल इतिहाद का मजारा आप देख सकते हैं। मैं सफदर कैसर आसिम।